पैसे लेके आओ, चीज लेके जाओ, दिला दूंगा। ओके बॉस, आना है कहाँ पर? ग्रांड रोड। क्या लेने? बाइक का सामान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज काफ़ी दिन के बाद ये मोटो ब्लॉगिंग सेटअप को हमने आज ऑन किया है। सो कुछ थोड़ा सा काम है गाड़ी के रिलेटेड, गाड़ी को सोच रहा हूँ थोड़ा सा रिनोवेट करूँ, तो इसके लिए कुछ पार्ट्स वगैरह लाना है, इसलिए आज मोटो ब्लॉगिंग का मैंने सेटअप लगाया। तो चलते हैं आगे, वहाँ बैठा है कुलबीर, कुलबीर को आज लेंगे साथ में और आगे की तरफ जाएंगे। चल छोटू। गाइस ये बंदा देख लो तुम लोग, अच्छा ये नकली बंदा है, ये सिर्फ छप्पर टिक्का लगाया है, ये नकली है, 100% प्योर नकली मटेरियल। मैं तो इधर आना बटन दबाना पड़ता है, बटन इसके ऊपर है, हो गया चालू है रिकॉर्डिंग, चालू है रिकॉर्डिंग, सेकंड हो गया 21 22 और तुम्हारा नकली जो बोला ना नकली पर आएगा बैठा है, चालू हो गया है, दिखेगा बंद करना, मेरा नहीं लाता हूँ मैं जब उतरता हूँ गाड़ी से उसके बाद में मेरा रिकॉर्डिंग करता हूँ। अच्छा ऐसा है। और आज के वीडियो में तुम लोग आ चुके हो, वीडियो चालू कर दिया हो गया, बाय। तो बड़े दिन के बाद एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, इतनी तड़तड़ाती हुई धूप में आने का मज़ा ही कुछ अलग है, खाने का मज़ा, इतना गर्मी लग रहा है, फ्लो फ्लो में बोल दिया मज़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कुलबीर भाई तो इसी चट्टी पे आ गए, तो बोला था कुलबीर ने नया सेटअप लिया है, बोला था ले गाड़ी पे लगा, माउंट कर, चल चलते, पर वो डायरेक्ट लॉन्ग राइड के लिए आने के लिए बोल रहे हैं। अब पता नहीं कब जाएंगे लॉन्ग राइड, जैसे छोटा मोटा राइड मिल रहा है उसको तो करते रहना चाहिए ना, राइड तो नहीं है बट क्या एक रूटीन बना लेना चाहिए, अगर ब्लॉगिंग छूट जाएगी तो फिर उसका एक हैबिट छूट जाएगी ना, तो वापस से वो नहीं बनती चीज़ें, जिस इसमें ब्लॉगिंग ज़रूरी है। आज जाने वाले हैं हम बॉम्बे साइड में, टाउन साइड, क्योंकि मुझे गाड़ी में कुछ पार्ट्स बदलने हैं, टाकी है, पैनल है और पेयरिंग वगैरह, मीटर वगैरह, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश की, तब CST पे गया, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला और दो तीन जगह पे पूछा, नहीं मिला। तबीयत की हवा है, तबीयत की गर्मी है, अभी सब बढ़िया है, ये तो टीवीएस रोनी है ना, अच्छी लग रही है। तो खार से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, बोलते हैं आगरी स्ट्रीट ग्रैंड रोड। तो यहाँ पर ये पूरा लेन जो है भाई, ट्विस्टर का मेरे को ये अंडर का फेरिंग दो ना, ब्लैक वाला ये मंदिर है, और ये पूरा लेन जो है बाइक की मार्केट का है, बट आज संडे होने के कारण पूरी मार्केट बंद है, तो ऐसा लग रहा है अपने को एक दिन और राउंड मारना पड़ेगा। हाँ तो क्या बोलते इसको, अच्छा पारसी अग्यारी बोलते हैं, मुझे लगा पारसी अग्यारी मंदिर, अच्छा महाराष्ट्र भी मिक्स कर दिया मैंने तो फिलहाल तो मेरी गाड़ी का अभी तक कोई पार्ट्स नहीं मिला, पूरी मार्केट बंद है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखेंगे एक दो दुकान और बाहर मेन रोड पे सारी दुकानें हैं, वहाँ पर भी एक बार ट्राई करता हूँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगा, इतना दूर आया हो तो इतनी गर्मी में खाली हाथ तो नहीं जाएंगे बाबा। तो सब बाइक की दुकान है, सारी सारी पूरा मार्केट है, बस क्या है पता नहीं, ब्रेक शू, ड्रेक, क्लच, कंट्रोल केबल, डिस्क ब्रेक, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा इसके पास, परफेक्ट स्कूटर। यहाँ पर ऋषभ ऑटो, विश्वास नहीं है प्लैटिना का कुछ, उससे ना पूछना, उसको जाके पूछ के ना प्लैटिना का, तो बोला उसको, नहीं बोला ना, फेयरिंग भी नहीं है इसका है,
उतर जरा, फेयरिंग तो है वो तो पूछ लूँ, एटलीस्ट फेयरिंग तो पूछ ले। दुकान का नाम है वी जी मोटर्स। चलो भाई फेयरिंग ट्राई करते हैं। अभी है एक पेट्रोल की टैंक की, क्योंकि अभी तक जो भी दुकानों में देखा है पेट्रोल का फ्यूल टैंक अभी भी कहीं पे भी नहीं मिला। स्टर्लिंग करके एक दुकान का पता मालूम पड़ा है, जस्ट अभी मैं जा रहे स्टर्लिंग, स्टर्लिंग ढूंढना है। किधर है किधर है किधर है स्टर्लिंग, किधर है किधर है स्टर्लिंग। अच्छा यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्दी है, यही स्टर्लिंग दुकान का नाम है, यहाँ ट्राई करते हैं हम लोग। चलो स्टर्लिंग, स्टर्लिंग में भी आज पार्ट नहीं मिला। मतलब मेन प्रॉब्लम ये है मार्केट की कि संडे के दिन मार्केट बंद होता है, और मार्केट बंद होने की वजह से छोटे जो दुकान शॉप वाले हैं उनके पास अवेलेबल नहीं रहता पार्ट, वो पीछे से मंगा के देंगे। इसलिए बोला गया है कि मंडे टू सैटरडे के दिन आपको आना, संडे के दिन बंद रहेगा। टाची का प्राइस 2200 रुपया बोला है, कॉपी रहेगी वो भी। मैंने बजाज के सर्विस सेंटर पर उसका प्राइस निकाला था, जो ओरिजिनल का प्राइस था कुछ तकरीबन 8500। ठीक है भैया, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मिल जाएगी तो अच्छा है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आएंगे सैटरडे के दिन। चल भाई से पूछते हैं, भैया से पूछते हैं फ्यूल टैंक है क्या, प्लैटिना का फ्यूल टैंक है क्या, फ्यूल टैंक का कवर टैंक चाहिए, पूरा टाकी चाहिए, सेम कलर में। राइनस की बात कर रहे थे, राइनस के शोरूम की आज ही ओपनिंग है, कुछ तो डिस्काउंट वगैरह रहेगा, कुछ नहीं रहेगा डिस्काउंट। पुरान खानी चल रही है अंदर, मौलाना है वे चलना जान देना, अभी जान देना पुरान चल। अच्छा है तो भाई जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं। आज ही ओपनिंग है, कब से स्टार्ट होएगा अभी शॉप, कुरान खानी चल रही है अभी, चालू है कुरान खानी, तो कुरान खानी चालू है, आओ शाम में आओ, इंशाल्लाह आते हैं। चलो लैमिंटन और क्या, लैमिंटन क्या करेगा। तो भैया जी जो काम के लिए आए थे वो काम तो नहीं हुआ, हाँ बट एक चीज़ इतना है क्या मालूम पड़ गया कि यहाँ पर मेन मार्केट है, अगर कभी भी कुछ लेना रहा पैसे लेके आओ, चीज़ लेके जाओ दिला दूंगा, अच्छी नहीं लगी तो वापस करा दूंगा। ओके बॉस, आना है कहाँ पर, ग्रैंड रोड, क्या लेने, बाइक का सामान। लैंडमार्क बता दूँ, नवजीवन सोसाइटी के आगे वाला सिग्नल लेफ्ट लेना है। खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा पूरा 50 रुपये का पेट्रोल, 50 से 100 का पेट्रोल घुस गया और चीज़ें कुछ नहीं मिली। तो अभी टाइम हो गया है 3:45 आई तक, और अभी जाते हैं पहले कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद घर पे जाएंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम होगा। गाड़ी में बजाज प्लैटिना होने के बावजूद हमारी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, इतनी अच्छी खासी हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, देखो बड़े बड़े रास्ते पे भी, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल राइडर। यहाँ पर TVS के शोरूम में आए थे, तो ये जुपिटर का नया मॉडल आया डबल हेलमेट का, यहाँ पर इसका जो है ना नॉर्मल गाड़ी से इतना इसका पोर्शन बढ़ा के दे दिया है, इतना पोर्शन बढ़ा दिया है, और उसका पेट्रोल का भी जो टाकी आगे दे दिया है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है 1,15,000 में। बाजी को गाड़ी लेना था तो उनके लिए मैं स्टॉप लेके देख रहा था गाड़ी, गाड़ी बहुत अच्छी है, 45 का माइलेज है, और डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर हार्ड कैश पे अगर आके लेते हैं तो। मुझे 1,15,500 का ऑफ़र दिया है, बोले जब लेने आ जाएंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइनली बज गया यहाँ पर 4:20 और घर पर जाना है, आयशा भी निकलने वाली है, बस जाके हुमैरा को संभालूंगा। सो इस राइड को यहाँ पर एंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो कमेंट करें, फिलहाल कहते हैं फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।